पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 10 दिन तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की बैठक से हड़ताल पर बैठे टैक्सी यूनियन और निजी बस ऑपरेटर यूनियन को प्रदेश सरकार से टैक्स माफ होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार द्वारा इन यूनियनों के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के जिला अध्यक्ष गुलशन दीवान ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर टैक्सी यूनियन और निजी बस ऑपरेटर यूनियन भूख हड़ताल शुरू करने वाली थी, लेकिन सरकार द्वारा धारा 144 लागू करने के बाद फिलहाल इसे 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 दिन तक यदि सरकार उन्हें वार्ता के लिए या उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लेती है तो 10 दिनों के बाद भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। साथ ही उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर खड़ी निजी बसों को मुख्यालय में लाने के लिए निजी बस चालकों से आग्रह किया है, ताकि उन्हें 10 दिनों तक किसी प्रकार की परेशानी को ना झेलना पड़े। जी, गुलशन दीवान जिला अध्यक्ष निजी बस ऑपरेटर मंडी। हमने सरकार से उम्मीद थी कि जो कैबिनेट हुई पिछले कल, उसमें हमारी मांगे मान ली जाएगी, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जो 16 तारीख की कैबिनेट में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम आगे भी भूख हड़ताल और आमरण अनशन से बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी उसकी जिम्मेदार हिमाचल सरकार ही होगी। बाकी हमारी जो लॉकडाउन 16 तारीख तक लगा है, हमारी निजी बसें इधर उधर खड़ी है, हेडक्वार्टर लौटना चाहती है वो लौट सकते हैं, क्योंकि स्टाफ भी परेशान होगा, चालक परिचालक जो भी लौटना चाहते हैं लौट सकते हैं। बाकी आगे हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन ही है।